नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन जब दोस्तों छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है, कन्याओं का पूजन करने के बाद उन्हें भोजन आदि खिलाया जाता है और भोजन आदि खिलाने से दोस्तों माना जाता है कि छोटी कन्याएं माता रानी का रूप होती है। नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए लोग छोटी कन्याओं को भोजन करवाते हैं, उनकी चरण स्पर्श करते हैं। भोजन कराने के साथ ही दोस्तों कन्याओं को भेंट और उपहार देने की परंपरा परसों से चली आ रहा है। मान्यता है नवरात्र में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं और इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और ये सम्मान के साथ भोजन करवाकर भेंट देनी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इनमें से कुछ एक चीज़ छोटी कन्याओं को देती हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर माता रानी का ऐसा सकारात्मक ऐसा आशीर्वाद आपके घर परिवार को, आपके जीवन को देखने को मिलता है कि सदैव माता रानी आपसे प्रसन्न रहती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है लाल वस्त्र। दोस्तों, कन्याओं में नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोजन जरूर करवाएं और कन्याओं को भोजन के उपहार के रूप में आप लाल वस्त्र देने का विशेष समय देता है। अगर किसी वजह से लाल वस्त्र आप देने के अंदर समर्थ आप नहीं हैं या आप लाल वस्त्र का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोटी कन्याओं को लाल चुनरी अवश्य ओढ़ा दें। दोस्तों, लाल रंग को समृद्धि का प्रसिद्ध माना जाता है। इसके साथ ही लाल रंग की पोशाक होने के कारण माता रानी भी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न रहती है और आपके मंगल घर बहुत मजबूत होता है। दोस्तों, आपको धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है या फिर आपको कर्ज मुक्ति चाहिए, तब आप क्या करें, नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद कन्याओं को कम से कम एक आप फल जरूर देना चाहिए, जिसके अंदर दोस्तों आप कन्याओं को मौसमी फल दे दें। ये माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से आपको अच्छे कर्म मिलते हैं और आपका धन कई गुना होकर वापस आता है। फलों में केला, नारियल भी उतना ही पवित्र माना जाता है। आप इन चीज़ों को दे दीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, कन्या भोजन करवाने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई अवश्य शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर पाएं तो घर के अंदर साफ सुथरे ढंग से बनाया सूजी या आटे का हलवा भी माता जी को भोग लगाकर कन्याओं को खिला दें। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और माँ भगवती आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। इस तरह दोस्तों नवरात्रि को कन्या भोजन करवाने के बाद भेंट में कन्याओं को सिंगार की समृद्धि भी उपहार में दे सकते हैं। ये सिंगार की सामग्री पहले आप माता जी को अर्पित करें, उसके बाद छोटी कन्याओं को बांट दें। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई सिंगार सामग्री सीधे माता जी के द्वारा स्वीकार की लाती है और आपको उसी के अनुसार पुण्य की भेंट प्राप्ति होती है। दोस्तों, परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जो विदा किया जाता है तो विदाई में उन्हें गोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इसे आपके घर के अंदर धन धान्य के अंदर वृद्धि होती है और नवरात्रि के अंदर कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के बाद थोड़ा सा चावल और जीरा देना चाहिए। इससे आपके घर के अंदर समृद्धि बढ़ता है और माता रानी की कृपा आपके घर घर के ऊपर दिन प्रतिदिन रात चौगुनी गति से देखने को मिलता है। इससे दोस्तों कन्याओं को विदा होने के बाद उन दक्षिणा के रूप में कुछ रुपये पैसे भी आपको जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और आपके घर के अंदर धन के भंडार भर देती है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1, 11, 21 या 51 रुपये जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को जरूर दें। निश्चित तौर पर माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होती है और देखते ही देखते आपके घर के अंदर खुशियों का भंडार भर जाता है और कभी भी आपके घर के अंदर धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।